फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस सोडा में, और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में, ये किस तरीके से आपके हेयर के ग्रोथ के लिए बेटर है और आपके हेयर के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, विटामिन ई जो होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपकी बॉडी के सेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। विटामिन ई की अगर बात की जाए, विटामिन ई का यूज़ हुआ जाता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर यूज़ किया जाता है, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है, अप्लाई करना अपने हेयर के ऊपर और कैसे आपको रिजल्ट देगा। सबसे पहले अगर आप लोगों को बताऊँ, ये जो विटामिन ई है आपकी ओवरऑल स्कैल्प जो है उसके लिए बहुत ही बेटर है, आपके हेयर की ग्रोथ के लिए बेटर है। बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल होने लगता है, हेयर जो है झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आ जाता है, वो लोग भी अगर इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं टोटली आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से कब कब यूज़ करना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स जो है इसके बारे में पता नहीं है, अगर उसका इंटेक सही तरीके से करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो भी एक थिक और हेल्थी हेयर पा सकते हैं। और दूसरी बात अगर की जाए तो बहुत सारे लोगों का, आप लोगों ने देखा हो, अनमैनेजेबल हेयर होते हैं या फिर फ्रीजी हेयर होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़, इस चीज़ को आप लोग अपना सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, इस वीडियो के अंदर आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको इस तरीके से कैप्सूल इवियन जो है वो लेना है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको एक कैप्सूल लेना है और इसको इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके। उसके बाद में आपको कुछ ड्रॉप्स जो लेनी है वो ऑयल की लेनी है, इसके आप 4 से 5 जो है ड्रॉप ले लीजिए। इस तरीके से आपको जो है करना है, उसके बाद में आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। आप चाहे तो इस तरीके से मसाज भी कर सकते हैं, और इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट इसे रहने देना है, देन आपको शैम्पू से हेयर को अपने वॉश करना है। इसे आप वीक के अंदर, हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार ज़रूर करें, जिससे आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके हेयर ठीक होंगे और बहुत सारी आपके जो स्कैल्प के अंदर है आपके वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इससे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको क्या करना है, एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, उसको अपने हथेली के ऊपर डालना है, उसके बाद में आपको ऑयल जो है वो डालना है, उसके बाद में इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है अपने हेयर के ऊपर, आपके स्कैल्प के ऊपर आपको अप्लाई करना है, आपके सर के ऊपर आपको आराम से मसाज करनी है ढंग से, और इस चीज़ को आप रहने दें 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद में आप शैम्पू के साथ में इसे धो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप इसे वीक के अंदर 1 से 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस चीज़ को आप अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद में अगर हम बात करें नेचुरल डाइट के बारे में, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई के बारे में अगर बात की जाए, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नेचुरल डाइट से विटामिन ई कंज्यूम करना है तो आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में आप पत्तेदार सब्जियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल है उसे भी अपनी डाइट के साथ में ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मीट को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आपको विटामिन ई मिलेगा जो कि बहुत ही बेहतर रहता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छे आप लोगों को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अगर बात की जाए विटामिन ई की, तो विटामिन ई का कैप्सूल को अगर कैप्सूल फॉर्म के अंदर आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हो, कैप्सूल के अंदर लेना चाहते हो, विटामिन ई का जो इवियन कैप्सूल आता है, अगर आप लोग कैप्सूल ले सकते हो, लेना चाहो तो, ये आपको 27 रुपये के 10 कैप्सूल पड़ते हैं। अगर बात की जाए 2 रुपये 70 पैसे का आपको एक कैप्सूल पड़ता है, 2 रुपये 70 पैसे का आपको एक कैप्सूल पड़ता है, जिससे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही चीप सोर्स कह सकते हो इसको, और जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल एमएस सोडा पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक बेल का आइकन है इसे भी दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रही होगी, जहाँ पर क्लिक करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी, आगे इस तरीके की वीडियो जाने के लिए इस चैनल के साथ में जरूर बने रही। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।